तो गुदगुदी लग रहा है गुदगुदी भाई, थोड़ा आ गया और थोड़ा आ गया लेना तुम थोड़ा तुमको फोटो लेने बोल रहा है, तुम पोज बता रहे हो। गाइस हमें एक गधा या घोड़ा बोल सकते हो, डर लग रहा है गाइस, कार्टून में देखे ना ऐसे मार देगा तो चल जाएगा उधर। नहा के रेडी रहेंगे तुम लोग, झंडा गड़ना होगा ना बेटा। आज है संडे और आज बजरंग बली का पूजा पड़ा है गाइस, तो पापा अभी स्कूटी निकाल रहे हैं। पहला झंडा, जय बजरंग बली। पापा पूजा का सामान ले रहे हैं और काफी ज्यादा भीड़ रहेगा गाइस आज मार्केट में, पूजा का सामान वगैरह सबको लेना है ना। देखो कितना ज्यादा भीड़ है, देखो बहुत ज्यादा भीड़ है गाइस। अब किधर चलना है? गुलपाड़ी। तो गाइस बांस के लिए भी अभी बहुत धक्का मुक्की हुआ क्योंकि अभी बांस भी सबको जरूरत है। हम पहुंच चुके हैं गुलपाड़ी, नॉर्मली लीजिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ये सही है। हम झंडा वगैरह तो ले चुके हैं, अभी चार नारियल ले रहे हैं, लड्डू वगैरह हम लोग सब ले लिए हैं, बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे। अगरबत्ती वगैरह सब चीज़ है वो सब पूजा में सब दे देगा ना, ले दें तो वह हाँ हाँ वहाँ मिल जाएगा ना। जो ये भीड़ से निकल के गए वो जीत जाएगा भाई साहब, इतना खतरनाक भीड़ है क्या ही बताए। तो हमने पूजा का सामान भी ले चुके हैं गाइस, तो अभी पापा झोला में भर रहे हैं, नारियल भी भर दीजिए इसे। सो फाइनली गाइस मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ, मम्मी भी तैयार हो चुकी है, सामान ले चलो और पूजा कर देंगे। गाड़ देना बोला है, झंडा उंडा सब लेके आया ना, हम पूजा कर देंगे, आप लोग गाड़ दीजिएगा, हमको टाइम नहीं है बोला। तो पंडित के पास हमें जाना होगा, पवन जाएगा, मम्मी जाएगी, मैं जाऊँगा, फिर पूरी फैमिली मिल के झंडा को एक जगह पे गाड़ देंगे। और बताओ गाइस मम्मी आज कैसी लग रही है? हम तो जैसे तैसे अभी थोड़ी तैयार हुए हैं, हम कभी तैयार नहीं होते हैं, खाली नहाना है या साड़ी पहनना है बस। तो इसको हम लोगों को लेके जाना होगा, इसी में रखूं ना? नहीं नहीं अलग रखूं। चलो बंद कर दो, चलते रहो, सामान दो हम लोग। हाँ पवन के पास, तो मम्मी आगे आगे जा रही है, तो पवन पीछे बैठ गया गाइस, तो मम्मी आगे आगे चल रही है, हम लोग चल रहे हैं मम्मी पीछे पीछे। फाइनली पहुंच चुके हैं गाइस, अंदर पंडित जी है, सो चलते हैं। तो फाइनली पूजा तो हो चुका है और माँ से आशीर्वाद भी ले लिए, सो अभी चलते हैं घर। तो अब हम लोग झंडा गाड़ेंगे, तो पापा अभी बांस पे झंडा लगा दिए हैं, यहाँ तो गाड़ नहीं सकते गाइस। हाँ तो नीचे से बांधेंगे ना, नीचे से। हाँ कोना में, बैक कोना में नहीं, देखो लहरा रहा गाइस, जय बजरंगबली। तो अभी तार काट रहे गाइस, ऊपर थोड़ा झंडा के जस्ट थोड़ा सा कॉर्नर में बांध देंगे ताकि झंडा निकल ना जाए, नीचे में बांध दीजिए बस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना गाइस, ये जो कपड़ा टांगने वाला था तो इसी को जस्ट हम लोग सटा के बांध दे रहे हैं, इससे आसानी भी हो जाएगा, नहीं तो वहाँ खड़ा रह भी नहीं पाएगा। तो गाइस मम्मी भी प्रसाद दे रही है लड्डू, फाइनली झंडा अपने जगह पे बन चुका है, दो तीन तार बांधेंगे पापा। सो अब चल रहे हैं मार्केट, कुछ खाने के लिए लेके आना है क्योंकि मम्मी तो कुछ बनाई नहीं है, मम्मी उपवास रखी है, मम्मी मीठा वगैरह खा के रह जाएगी, तो मम्मी के लिए रसगुल्ला लाना है, पवन के लिए इडली अगर मिला, अदरवाइज नहीं मिला तो डोसा, पापा के लिए कचौड़ी वगैरह लाना है। सो गाइस सीड बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम लोग पानी डाल रहे हैं इसमें। तो फाइनली डोसा ले चुके हैं गाइस पवन के लिए, अब पापा लोग के लिए लेना है और मम्मी के लिए, और वैसे हम लोग भी खाएंगे ही तो अपने लिए भी लेना है। तो फाइनली गाइस जो चीज़ हमें चाहिए था वो हम ले चुके हैं,
कचौड़ी भी ले लिए, जलेबी ले लिए, मम्मी के लिए रसगुल्ला भी ले लिए। सो अब चलते हैं घर। तुम हम लोग दो डोबाड़ा खाए थे तो अभी दोपहर के 2:23 हो रहे हैं और मम्मी तो पूरा आज तो खाए नहीं है ज्यादा कुछ, तो मम्मी थक चुकी है एकदम। नहीं नहीं थके नहीं है, अभी उपवास करना है, आज पूजा की है ना, रात को खाना है। रात को खाना है क्यों भाई? वही यार चावल का खाना खाना है। तो ठीक है मम्मी, तो ख्याल रखो तुम। हाँ सो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। पवन देवगा स्प्रे से क्या कर रहे हैं? धूप में मत जा बेटा। धूप क्या है, नॉर्मल है। हम लोग वहाँ चल गए, आपको देखे क्या पहचाना पहचाना लग रहा है, फिर पीछे से हम आए। अरे चलिए बहुत ही बढ़िया। कहाँ रहते आप लोग? इधर ही गदड़ा तरफ। एक दो बार गाइस, हमें एक गधा या घोड़ा बोल सकते हो, डर लग रहा है गाइस। कार्टून में देखे ना, ऐसे मार देगा तो चल जाएगा उधर। सुन रहा देगा तुमको, सुन रहा तुम बोल। एक बार सामने जाना हमको। लेफ्ट पैर हिल रहा है पा, ये घोड़ा ही है? नहीं 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 गधा है। नहीं है ना जी, घोड़ा लग रहा है लगता है। सलाद है, चैन मिलेगा। सलाह तो रहे यार, वो हिल रहा है ना, डर लग रहा भाई। देखो कूद गिर रहा है, गुदगुदी लग रहा है। गुदगुदी भाई, ये तो हमसे ज्यादा ही हिल रहा है यार पा घोड़ी। गुदगुदी लग रहा है उसको। अरे बाबा गुदगुदी लग रहा है यार, थोड़ा कस के छूना। अरे नहीं यार, वो ऐसे कर देगी तो समझ रहा। देख 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 कैसे हिल रही है। अरे गुदगुदी कर रहा लग रहा है, ऐसे करके छू यार, गुदगुदी लग रहा है। भाई सटा ना दे। थोड़ा आ गया हो और थोड़ा आ गया हो लेने। तुम थोड़ा तुमको फोटो लेने बोल रहा, तुम पोज बता रहे हो, तुम थोड़ा सटो यार। नहीं अरे लग इतना ठीक है, इतना। हाँ ठीक है, रुको पोज दो। अरे बाय घोड़ी जी, आते हैं, ख्याल रखो आप। हाँ बाय बाय, लव यू। एक वीक बाद ख्याल रखो आप अपना। हेडफोन गिर गया गाइस। सो चलो बाय बाय। सो चलो गाइस आगे चलते हैं, मज़ा आ गया पर टाइम स्पेंड करके। बाय। पूरा जंगल एरिया देखो, पूरा लंबा लंबा पेड़ है, पूरा लंबा लंबा। हॉरर वाला फिल्म हाल, हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। शाम शाम में तो और खतरा लगेगा। तो गाइस हाईवे रोड निकल रहा है, तो एकदम पूरा जंगल के बीच में, आगे शायद रोड है, हाईवे रोड बन रहा है। आया इधर, एक इधर जा रहा हूँ और एक इधर जा रहा हूँ। हाईवे रोड हमें ये वाला रास्ता ले जाएगा। सो गाइज अभी हम लोग एक होटल पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए। सो अभी मेरा आ चुका है फेवरेट गुलगुला, पवन अभी बैठा हुआ है। पवन मना कर रहा था कि तुम सो रहा है, तुम बैठने के लिए आराम करने के लिए रुका है गुलगुला के बहाने। चलो अभी फिलहाल खाते हैं पापड़। एकदम मस्त खटिया बिछा हुआ है गाइज रोड के जस्ट किनारे, हवा भी अच्छा आ रहा है। और उधर पूरा हाईवे रोड है, पूरा हाईवे रोड। हम लोग यहाँ से गुजर ही रहे थे रोड से, तो इधर एक सामने मंदिर है, तो हम लोग रुक के प्रार्थना वगैरह कर लिए और टीका वगैरह लगा दिए पंडित जी, प्रसाद वगैरह भी खा लिए। सो अब सफर अच्छा रहेगा। सो अब चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं, बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं कुछ है। अच्छा पता चलेगा तो आप लोग बता दूंगा वैसे लोकेशन। पानी प्यास लग रहा है, पानी जुगाड़ करना होगा भाई साहब। तो पानी मिल गया शायद पवन को, उधर जा रहा है। हाँ मिल गया। तो ये रहा पीने का वाटर भाई साहब, ठंडा ठंडा होगा यार, जल्दी पी पवन। है ओ भाई साहब यही चाहिए क्या? अरे पीना पी पी फटाफट, यही तो चाहिए यार पानी ठंडा ठंडा। टीका लगाया नहीं है तुम? फिर हाँ धोवा ले, छोड़ क्या जाता है। हो जाएगा रे भाई, इतना ठंडा छू तो एक बार।
रुक जा, चला चला, बोल दी फंगर को। ओहो गजब गजब, पी पी जल्दी पी। सफर करने के बाद ठंडा पानी मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है गाइस। पूरा हाथ से छुआ ना, अभी भी फील आ रहा है गाइस, कितना मस्त ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लगा पानी, बहुत अच्छा है। अभी हम लोग हैं गालुडी में, ये गालुडी ब्रिज है और इधर है खाई, ये देखो गाइस खाई, खाई का बाप है, उधर मधुमक्खी का छत्ता, उधर उधर झांको मत यार, ईंटा एक ईंटा का है वो, चल इधर आ जा। बट काफी मजा आ रहा गाइस, घूमने में बहुत मजा आता है गाइस, बस घूमते रहो, बस घूमते रहो, ट्रैवल करते रहो, पर ये ट्रैवल नहीं है गाइस, सस्ता ट्रैवल है। सो गाइस ये ब्लॉग दो दिन बाद एंड कर रहा हूँ, और ब्लॉग आगे पीछे हो गया गाइस, एडिट नहीं, ये वाला जो ब्लॉग आप देख रहे थे ये वाला एडिट नहीं कर पाया था, तो रामनवमी वाला पहले डाल दिया, और बजरंगबली का जो पूजा था वो अभी, ये वाला जो ब्लॉग आप लोग देखे ये वाला है। सो आगे पीछे हो गया था, एडिटिंग तो नहीं हो पाया था, अभी फाइनल एडिट हो चुका है। सो आप लोग ब्लॉग भी देख लिए होंगे, सो बस होप करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो पसंद आया तो प्लीज़ यार एक लाइक करके जरूर जाना, और बाकी क्या बोलो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, आई होप गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक्स सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे टू नेक्स्ट डे, से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।